स्टूडेंट वेलकम टू यूट्यूब स्टडी आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्व के बच्चों को काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे अगर आप बोर्ड एग्जाम दो हज़ार तेईस देने वाले हैं तो आपको यहाँ पे बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी को कैसे लिखना है एक एक क्वेश्चन को इसमें सिखाया गया है कि कैसे आपको लिख करके आना है ताकि सभी बच्चों से आपकी कॉपी आकर्षक हो और एक भी नंबर ना कटे और फुल नंबर में फुल नंबर आपको मिल जाए तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक समझ लीजिए एक एक क्वेश्चन को इसमें समझाया गया है लिख करके हेडिंग किस पेन से लगाना है और कौन सी पेन से लिखेंगे तो पीछे का बैकग्राउंड में कलर उसका पेन का नहीं निकलेगा तो आज की इस वीडियो को ए टू जेड एड क्वेश्चन को इसमें समझाया गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ये देखिए आपका कॉपी इंटरमीडिएट क्लास ट्वेल्थ का बच्चों का यहाँ पे फर्स्ट पेज है देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश और यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करने की मैं सोच रहा हूँ यहाँ परीक्षार्थी का रोल नंबर लिखने के लिए आता है यहाँ में अंकों में यहाँ पे आपको शब्दों में भरना होता है विषय भरना होता है विषय कौन सा है प्रथम या द्वितीय वो भरना होता है यहाँ पे पेपर का कोड भरा जाता है यहाँ पे दिन भरा जाता है यहाँ पे दिनांक एवं पाली भरा जाता है और यहाँ पे किस रूम में है यहाँ पे डेट भरा जाता है तो ये चीज़ें मैं आपको अलग से समझाऊंगा एक कॉपी पे तो आज की इस वीडियो में ये पेपर का कवर है ऊपर का इसका मैं लेकर के आपको समझा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट नंबर की बात करूँ तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी पे मार्जिन लाइन खींचना है देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेज है आपका अब यहाँ पे मार्जिन लाइन ये होता है देखिए इधर साइड में जो लाइन खींची गई है ये मार्जिन लाइन डबल करके आप खींचिएगा और एक ही साइड खींचिएगा बाएं तरफ इधर भी बच्चे खींच देते हैं दाइनी तरफ तो ये गलती नहीं करना है एक एक चीज़ अभी सीख लेना है इस वीडियो में ठीक है तो मार्जिन लाइन केवल आपको बाई तरफ खींचना है इस साइड में बाई तरफ खींच लेंगे डबल लाइन करके वो भी ब्लैक पेन से इसके बाद पूरी कॉपी में खींचने के बाद आपको करना क्या है आपका पेपर जो आएगा ए, क्लास ट्वेल्व के बच्चों का खंड दो भागों में बांट कर आएगा जिससे खंड क और खंड ख में और क्लास टेन का खंड एक ही में आता है ठीक है तो एक एक चीज़ सीख लीजिए पहले आपको खंड यहाँ पे क लिखना है जो भी बच्चे कर रहे हैं तो आपको ब्लैक पेन से जो मोटा चलती है उसी पेन से यहाँ पे खंड क लिखेंगे और एक थोड़ा सा मार्कर आता है वो पतला आता है और ठीक है स्केच बोलते हैं उसको तो उससे लिखेंगे अगर तो बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है पीछे वाला कवर पेज पर निकल जाएगा उसका फिगर ठीक है तो आपको थोड़ा सा हल्का मतलब कि उधर ना निकले पेज के उस बगल में उस पेन से यहाँ पे खंड क लिखेंगे और आपके पहला प्रश्न जो होगा यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या देखिए प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे आपको लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या और पहला कर रहे हैं तो पहला और नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा ऐसे ऐसे करके तो अच्छा रहेगा या आप सीधी एक लाइन भी खींच सकते हैं तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे और सभी बच्चों से आपकी जो कॉपी होगी यूनिक होगी और एक भी नंबर नहीं कटेगा एक भी क्वेश्चन पे तो प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे डाल लेंगे और पहला प्रश्न का जवाब यहाँ पे पहला लिखा है पहला का क कर रहे हैं तो पहला का क और उसमें पहला प्रश्न का जवाब आपका आ गया सेकंड नंबर ऑप्शन में बहुविकल्पी में तो दूसरा ऐसे लिख लेंगे जैसे कि दूसरा ऑप्शन लिख के और संपूर्णानंद लिखा गया है दूसरा ऑप्शन तो उसको वहां पर नोट कर देना है ठीक है तो इसी तरीके से पाँचों क्वेश्चन का पहला का ख खब करेंगे इसी तरीके से तो दूसरा ऑप्शन सही है उसमें दूसरा प्रेम सागर लिखेंगे इस तरीके से एक भी मतलब कि लाइन इसमें छोड़ना नहीं है लाइन वाइज लाइन करके कॉमा लगाते हुए लिखना है ठीक है पहला का ग देखिए पहला का ग का आपका सही है चौथा ऑप्शन यानी यश पाल तो आपको ऐसे लिख लेना है और ये जो मैं बता रहा हूँ कॉपी ये मॉडल पेपर का सलूशन है मॉडल पेपर दो हज़ार बाईस का जो है हिंदी का कक्षा बारह का उसी का ये सलूशन मैं बता रहा हूँ जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर दो हज़ार बाईस का उसी का सलूशन है ठीक है अब देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पहला का घ लिखा पहला का घ का आपका पहला ऑप्शन सही है विष्णु प्रभाकर कर इसको आराम से इसी तरीके से लिख लेंगे आप देखिए पहला का अंग जो दिख रहा है यहाँ पे तो पहला का अंग पहला का अंग का चार नंबर आपका ऑप्शन सही है तो चार नंबर लिखेंगे और ऑप्शन उतार देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी तरीके से लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन पहला का क पहला का ख पहला का ग पहला का घ और पहला का अंग ये पांचों क्वेश्चंस को ये प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालने के बाद लाइन वाइज लाइन इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ठीक है अब इस तरीके से आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है तो ये था आपका देखिए समझा देता हूँ ये गद्य साहित्य से गद्य साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा पाँच बहुविकल्पिक पहला में अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दूसरा पद्य साहित्य से प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डालेंगे दो डालेंगे और अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से ठीक है अब इसके बाद ये पौध साहित्य से पौध साहित्य से आपके पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ठीक है जो कि बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे और यहाँ पे देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन का पहला यहाँ पे दूसरा का क लिखा है ना दूसरा का क कर रहे हैं दूसरा ऑप्शन सही है इसका छयवादी युग तो इसी तरीके से छवादी लिख लेंगे छवादी युग और यहाँ पे एक कमा लगा देंगे ठीक है अब दूसरा का ख देखिए क्या लिखा है अब दूसरा का ख का पहला ऑप्शन सही हो गया आपका अग्रदास ऐसे अग्रदास लिख लेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे ठीक है अब दूसरा का ग लिखिए दूसरा ग ग का दूसरा लिखा है उन्नीस सौ तिरालीस ईस्वी तो इस तरीके से उन्नीस सौ तिरालीस ईस्वी लिख के कमा लगा देंगे एक भी लाइन मतलब छोड़ा नहीं है लाइन वाइज लाइन करते आना है बहुविकल्पी में ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का घ लिखा है दूसरा का घ का चौथा ऑप्शन सही है कमायनी तो यहाँ पे कमायनी लिख लेंगे इसके बाद देखिए दूसरा का अंग क्वेश्चन कर रहे हैं तो का चौथा सही है यहाँ पे लिखा है मामा तो यहाँ पे ये जो है ये चौथा ऑप्शन को इसी तरीके से लिख लेना है तो ये प्रश्नोत्तर संख्या डालना है दूसरा और पांच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा पांचों को यहाँ पे आराम से लाइन वाइज लाइन करके इसी तरीके से लिख लेंगे तो आपका पाँच नंबर एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा फुल नंबर में फुल नंबर मिलेगा और यहाँ पे लास्ट में बताएंगे कि हर एक पेज पे देखिए ये पेज आपका ख़त्म हो गया ना ये पहला पेज था तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है आर एन यहाँ पे आर एन लिख लेंगे यानी कि होगा रोल नंबर और यहाँ पे रोल नंबर आपका जितना भी है दस अंकों में जो भी आएगा यहाँ पे आराम से साफ साफ लिख देंगे आर एन इससे लिखने से क्या फ़ायदा है कि जो अगर आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी है और सब कुछ लिख दिए एक भी गलती नहीं है आपका तो कोई अगर चाहेगा तो इस पेज को चेंज करना तो ये पेज चेंज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आर एन पहले से लिखा रहेगा रोल नंबर तो ये काट पीट नहीं होता है तो इसलिए हर एक पेज पे आप नीचे आखिरी में आर एन लिखिएगा और यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा हर एक पेज पर ठीक है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है आपका देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या थ्री लिखा है ना प्रश्नोत्तर संख्या आपको तीन ऐसे लिखना है और अंडरलाइन कर लेना है ये जो है आपका प्रश्न गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं तो गद्यांश दो दिया रहेगा किसी एक गद्यांश को करना होता है जैसे कि आपको भी ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या तीन डाल लेंगे ऐसे आराम से लिख लेंगे और यहाँ पे देखिए संकेत डालना है संकेत का मतलब कह रहा है कि दो गद्यांश रहेंगे और कौन सा गद्यांश आप किए हैं आप संकेत में मालूम चल जाएगा जैसे कि देखिए संकेत डाल लेंगे यहाँ पे धर गद्यांश का शुरू में दो तीन वर्ड ले लेते ले हैं और लास्ट में से दो तीन वर्ड जैसे कि संकेत में हम लिखे हैं धरती माता की और यानी कि इसी से मालूम चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश किए हैं और डाँट डाँट करके और यहाँ से आखिरी उसी गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन वर्ड्स जांच पड़ताल आवश्यक है ये आप संकेत लिख दिए तो आपको मालूम चल गया कि कौन से गद्यांश को सॉल्व किए हैं अब चलिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखना होता है संदर्भ भी लिखना होता है देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संदर्भ बताइए तो संदर्भ दो तरीके से लिखा जाता है एक तो पहला नंबर इसमें लिखे हैं देखिए इसी तरीके से लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कि गध भाग यहाँ पर देखिए आप जो भी भाग से लिया गया इसको ब्लैक पेन से आप लिखेंगे ठीक है जहाँ जहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है मैं बताते चलूंगा ताकि आप अभी से सीख लेंगे तो वहाँ पे अच्छा से लिख पाएंगे देखिए गद भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्यय अध्यय डॉक्टर वासुदेवसरण अग्रवाल यहाँ पे जो है इसके अध्यय कौन है वासुदेवसढ़ अग्रवाल जी इसको भी ब्लैक पेन से लिखेंगे द्वारा लिखित और कौन से चैप्टर से राष्ट्र का स्वरूप जो चैप्टर है इसको सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे ठीक है ऐसे इन्वर्टेड कमा में ब्लैक पेन से शीर्षक निबंध से अवतरित है या आप अगर लिखना चाहते हैं साफ साफ इसका अलग से तो सबसे पहले नंबर आपको लिखना है पाठ का नाम पाठ का नाम पहले लिख लेंगे तो पाठ का नाम क्या लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप हो गया अब यहाँ पे लिखें शीर्षक का नाम शीर्षक इसके कौन है यानी लेखक इसके कौन है तो वासुदेव वासुदेवसरण अग्रवाल जी हैं तो ये दो चीजें बस लिख देंगे तभी भी आपको यहाँ पे संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से भी लिख सकते हैं दो ऑप्शन है आप जैसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर दो इसी में पूछेगा प्रश्न तो इसका जवाब लिखेंगे पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान वस्तुएं भरी हुई है इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं दूसरा के बाद तीसरा चौथा ये है अंडरलाइन का रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया है तीसरा में लेखक कहता है कि पृथ्वी को खो को, की कोख में अमूल्य रत्न भरे हैं तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं गद्यांश में लाइन वाइज लाइन आपको करते चले जाना है ठीक है यानी कि पहला क्वेश्चन दूसरा तीसरा कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं किया है आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी अगर अगला पेज पे चला जाता है तो यहाँ से आराम से पांचवा प्रश्न जो दिया है इसका जवाब यहाँ पे लिख लेंगे अब चलते हैं आगे क्वेश्चन आपका जो आएगा तीसरा के बाद चौथा ये देखिए ध्यान से प्रश्नोत्तर संख्या आपको ऐसे ही डाल लेना है और ये चार नंबर क्वेश्चन है ना तो इसी तरीके से अंडरलाइन करके साफ साफ और आप इसको अच्छे से अंडरलाइन करके लिख लेंगे अब देखिए ये जो आपका चौथा जो क्वेश्चन आता है ये पद साहित्य से क्वेश्चन पूछा जाता है पद साहित्य जो है पद्यांश से पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए पहला जो है इसमें आपको पद्यांश में जो सॉल्यूशन किया हूँ संकेत लिख दिया हूँ ताकि आपको भी मालूम चल जाएगा जैसे कि लज्जा सिल्ला लज्जा पथिक महिला ये शुरू में तीन वर्ड लिए हैं शब्द को और डाट डाँट कर दिए हैं बीच वाला और लास्ट में से यहाँ पे मौलानताएँ मिटाना और यहाँ पे डबल खड़ी पाई है इसको ऐसे लिख लेंगे इससे आपको मालूम चल गया होगा कि कौन सा गद्यांश किए हैं क्योंकि दो गद्यांश दिया रहता है तो एक को पता करने के लिए संकेत लिखना पड़ता है और संकेत लिखेंगे तो एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाएगा आसानी से और उसको दिक्कत भी नहीं होगा आराम समझ जाएगा और आपकी कॉपी को अच्छे से चेक करेगा एक कभी नंबर नहीं काटेगा अगर संकेत नहीं लिखते हैं तो उसको जांचने में जो है दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो मालूम नहीं कर पाएगा कि कौन सा गद्यांश को आप सोल्यूशन किए हैं थोड़ा देर से पकड़ेगा लेकिन संकेत लिखना बहुत ही आवश्यक है आप देखिए यहाँ पे संदर्भ इसका लिखेंगे जैसे कि संदर्भ में प्रस्तुत पद महाकाव्य पद्यांश है ये मतलब कि पद्यांश है तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी इन्हीं को हरिओद जी भी बोलते हैं हरिओद द्वारा प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के यहाँ पे देखिए पाठ है पुस्तक के पदभाग यानी पद्यांश भाग उसी को बोलते हैं पदभाग में संकलित पवन दूतिका ये पाठ का नाम है आपका पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है यानी कि देखिए पद्यांश सं, संदर्भ जब आप लिख रहे हैं तो इसमें कौन सी पेन का यूज करना है दो पेन लगेंगे एक तो पहले नंबर ब्लैक पेन का चैप्टर के नाम लिखने में शीर्षक के नाम लिखने में कहाँ से उद्घृत है उसको यानी दो तीन जगह पे इसमें ब्लैक पेन का यूज किया गया है तो देख सकते हैं इसी तरीके से आपको भी लिखना है अब देखिए अगला क्वेश्चन संदर्भ लिखने के बाद पूछेगा पद्यांश में दूसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या की कीजिए जो पद्यांश में अंडरलाइन किया रहेगा इसके जैसे लिखा है इसके नीचे ऐसे अंडरलाइन कर देता है तो उसका अंश का व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो आपका दूसरों को ऐसे लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या और नीचे अंडरलाइन कर देना इस तरीके से अब इसमें क्या लिखेंगे देखिए पूरा जो अंडरलाइन का भाव कह रहा है कि, कि हे पवन और यहाँ पे ऐसे लिख कर और पूरा साफ साफ इसमें अंडरलाइन का भाव पूरा लिख देंगे पूरा ए टू जेड इसमें दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा अब इसके बाद देखिए अगला मैंने उसको समझा दिया कि आपको पद्यांश को कैसे लिखना है और फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं कि यहाँ पे कि प्रश्नोत्तर संख्या पाँच ऐसे ही आपको सग मतलब सभी क्वेश्चंस को करने हैं नंबर का क कर रहे हैं नंबर प्रश्न में दो क्वेश्चन पा, का क एक पांच का ख तो ये दोनों को समझा रहे हैं ध्यान से देखिएगा पांच का क है यहाँ पे और ये प्रश्न आता है मतलब कि लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में पांच का क में लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है तीन ऑप्शन रहते हैं तीनों में से किसी एक के लेखक के जीवन परिचय को लिखना होता है तो देखिए कैसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पाँच का क कर रहे हैं और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको मान लीजिए कि आ रहा है यानी तीन दिया रहेगा ऑप्शन तीनों में से मान लीजिए तीसरा आपको आ रहा है पहला दूसरा नहीं आ रहा है तो आप तीसरा ऐसे लिख लेंगे और जो टॉप में सबसे ऊपर किस पर लिख रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में आप जीवन पर से लिख रहे हैं ये एक लेखक हैं तो इसको ऐसे लिख लेंगे तीसरा और ऊपर लिखकर अंडरलाइन कर देंगे अब चलिए अब जीवन पर्चे में क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे जीवन पर्चे हेडिंग डालेंगे ठीक है इसी तरीके से ब्लैक पेन से और लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन उन्नीस सौ सात ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था ठीक है अब देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे ब्लैक पेन से लिखना है तो सन में किस सन में उनका जन्म हुआ था तो उन्नीस सौ सात ईस्वी में हुआ था इसको आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिख देंगे तो और भी मतलब कि जो एग्जामिनर उसका जो एक्सट्रेक्शन पावर होगा तो उस पर पहले पड़ेगा और देखने में कॉपी जो है अच्छी लगी तो यहाँ पे सन लिख लेंगे उन्नीस सौ सात और बलिया जिले के दुबे ग्राम दुबे छपरा के ग्राम में हुआ था अब देखिए पिता का नाम उनका अनमोल रतन इसको भी चाहें तो ब्लैक पेन से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था यहाँ पे इनको भी नाम को ब्लैक पेन से लिख देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है जीवन पर्ची में इम्पोर्टेंट चीज़ें सन होता है गांव होता है माता पिता का नाम होता है ये इसको ब्लैक से लिखना पड़ता है अब देखिए द्विवेदी जी सरयू पानी ब्राह्मण थे इनके ज, इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ था वैद्यनाथ द्विवेदी था जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनका बचपन के नाम क्या था बचपन में छोटे जब थे वैद्यनाथ था अब अठारह मई देखिए ये जो है अठारह मई सन उन्नीस सौ उनासी ईस्वी लिखा है ना यही सन है हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग मिलीन हो गए यानी कि स अठारह मई का समय था उन्नीस सौ नवासी का समय सन चल रहा था उसी समय इनकी मृत्यु हो गई तो ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि जन्म कब हुआ उनके माता पिता के नाम क्या है और उनका मृत्यु कब है ये जो चीज़ें हैं डेट इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा ठीक है जीवन परिचय कंप्लीट शॉर्ट में लिखा गया है आगे देखिए साहित्यिक परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में ये गलती नहीं करना है साहित्यिक परिचय पूछता है जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है तो हेडिंग लगाकर लिखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी ही, ही, साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है ठीक है और उन्नीस सौ तीस ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्यों की उपाधि तथा उन्नीस सौ उनचास ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डी की उपाधि प्राप्त की है कई विभागों के अध्यक्ष भी एवं प्रमुख भी रह चुके हैं कौन हमारे डॉक्टर वासुदेव सर सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके बाद इनकी कृतियाँ क्या हैं प्रमुख कृतियाँ हेडिंग डाल देना है आलोचनात्मक कृतियाँ यहाँ पे इसी तरीके से आपको जितने भी इनके बारे में डिटेल्स लिखवाया गया होगा कोचिंग वगैरह नोट्स और ऑफलाइन उसी तरीके से आपको यहाँ पे साफ साफ लिखना है ठीक है अब यहाँ पे निबंध नि, संग्रह इनका क्या है यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आपको दो तीन थे लिख देना है उपन्यास क्या है इनका बाणब की आत्मकथा यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको कंप्लीट लिख देते हैं तो पाँच नंबर जो जीवन पर्चे हैं पांचवा का क ये लेखक का था पांच नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा अब चलिए पांच का ख पे थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे पांच का ख यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है पांच का ख लिखा गया है ठीक है इसमें आपको कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है किसका कवि का अब पहला जो किया पांच का क उसमें लेखक का था तो ये कवि है और इसमें पांच नंबर का ये भी जीवन परिचय है तो जैसे पहला ऑप्शन आपको याद है मान लीजिए किसका है मैथिली गुप्त जी का तो ऐसे टॉप मतलब सबसे ऊपर में लिखेंगे बीच में मैथिली शरणगुप्त तो अंडरलाइन कर देंगे नीचे से ठीक है अब इनके बारे में लिखेंगे जीवन परिचय मैथिली गुप्त जी के बारे में तो जीवन परिचय ऐसे हेडिंग लगा देंगे और लिखेंगे कि मैथिली गुप्त जी का जन्म सनवत उन्नीस ठीक है और सन लिखेंगे अगर वो सनवत नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म सन उन्नीस सॉरी अठारह में चिर गाँव में हुआ था किस गाँव में चिरगाँव में इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जी थे तो ये देखिए ब्लैक पेन से लिखा गया पहले से अब सेठ गुप्त जी स्वयं एक अच्छे कवि भी थे और गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी उन्हें बहुत प्रेरणा मिली है यानी सीखने को बहुत कुछ मिला है अब देखिए गुप्त जी विनम्र हसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे साकेत यहाँ पर देखिए साकेत लिखा है महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयोग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है ठीक है तो ये चीज़ें आपको जितने भी उनके जीवन में घटनाएं हुई है उन का वर्णन करना है जीवन परिचय में यहाँ पे भारत संस भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया यानी पद्म भूषण जो पुरस्कार मिलता है उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं आगे देखिए जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे यानी कि साहित्य में सृजन आगे की कार्यों में लीन रहे अब देखिए बारह दिसंबर उन्नीस का समय था को भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गई यह जो है इसमें इनका मृत्यु समय दिया है बारह दिसंबर उन्नीस सौ चौंसठ ठीक है तो ये मृत्यु का समय है तो इसको अच्छे से तैयार करके रखिएगा ये पेपर में पूछता है हर साल तो इसको तैयार कर लीजिएगा यहाँ पे साहित्यिक सेवाएँ देखिए साहित्यिक सेवाएं गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की यहाँ पर रीति काव्य के और थे और राष्ट्रप्रेम उनकी कविता का प्रमुख स्वर रहेगा रहा उनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणा प्रद मित्र हुआ ठीक है चित्रण हुआ इस तरीके से साहित्यिक सेवाएँ लिख लेंगे और यहाँ पे थोड़ा समय आगे लेकर चलता हूँ साहित्यिक सेवाएँ हो गया कृतिया ये जितने भी चीज़ें दिया है तो तो पांचवा का क था यहाँ पे देखें इन्होंने शकीत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन मंगला प्रसाद पर सौतिक मिला ये रचनाएँ साकेत ये जितने भी चीज़ें हैं आप भारत भारती उनके सारे चीज़ें को लिख देंगे तो ये पाँच का ख था जीवन पर से कवि का कंप्लीट हो जाएगा और पाँच नंबर मिल जाएगा ठीक है आगे चलते हैं जितने बच्चे इस वीडियो का पी चाहते हैं कि सल्यूशन के साथ पी भी आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वहाँ पर जा के आप ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा कक्षा दस और बारह के बच्चों का ज्वाइन हो जाइए वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा अब देखिए प्रश्न संख्या कक्षा बारह का है ये छः नंबर देखिए प्रश्न उत्तर संख्या छह लिखा गया है छ नंबर में ये आपका आता है चरित्र चित्रण लिखने के लिए या कहानी का उद्देश्य लिखने के लिए तो आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं देखिए बहादुर कहानी के प्रमुख पात्रता पर चरित्र चित्रण को लिखा गया है यहाँ पे देखिए हेडिंग लगाया है बहादुर के प्रमुख पात्र बहादुर की चरित्र चित्रण इस पर आपको लिखना है तो इसी तरीके से हेडिंग लगाकर अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर का प्रमुख पात्र बहादुर है जिसकी शारीरिक विशेषताएँ इस प्रकार से हैं पहला है छल कपट यहाँ पे दूसरा देखिए दूसरा लिखिए परिश्रमी हसमुख एवं मृदभाषी तीसरा है सहनशील ईमानदार एवं सच्चे और यहाँ पे मतलब चार ठे है इसमें चारों यहाँ पे मातृप्रीत भक्त यानी कि चारों के बारे में हेडिंग लगाकर इस तरीके से कंप्लीट आपको छः नंबर क्वेश्चन का लिख लेना है ठीक है इसके बाद देखिए अब आपका सातवा जो क्वेश्चन आता है मैं समझा देता हूँ सात नंबर जो क्वेश्चन आएगा कक्षा बारह के बच्चों का सात नंबर हिंदी में ये आता है आपका जिला वाइज आपके जिला के वाइज आता है आप किस जिले से, से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आपके ज़िले में प्रश्न को सात नंबर को भेजा जाता है तो आप किस जिले से हैं डिस्ट्रिक्ट से हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट को नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिख दीजिए कि आप किस जिले से जिला का नाम भेजिए उसके अनुसार मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सेंड करूंगा वीडियो के माध्यम से ठीक है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर आठ जो ये खंड आपका मैं छूट गया पेज एक इस पी में लेना छूट गया था ठीक है तो आपका खंड जो क्वेश्चन नंबर आठ बनेगा ये आपका खंड देखिए कौन सा बनेगा खंड ख से अब खंड ख खौ बनेगा यानी क्वेश्चन नंबर आठ का क ये प्रश्नोत्तर संख्या आठ का ख लिखा गया है ना तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपका लिखा है खंड ख में क से खंड ख स्टार्ट हो रहा है अब प्रश्नोत्तर संख्या क से स्टार्ट होगा यानी कि आठवा का क यहाँ पे दूसरा लिख दिया हूँ प्रश्नोत्तर संख्या आठवा का ख एक पेज अभी इसमें नहीं लिया गया है तो आपको ऐसे लिखना है जिससे मैंने सभी क्वेश्चन को आइडिया बता दिया है इसमें संस्कृत से गद्यांश आता है तो संकेत भी लिखे नमे रोशते भद्रा यहाँ पे कर देंगे डाटा कुदो भवंती इस तरीके से आपको संदर्भ अनुवाद हेडिंग डाल करके अच्छे से इसमें कॉपी में फिलअप कर देना है ठीक है तो अगर आप ऐसे सारे सब्जेक्ट का कॉपी पर कैसे लिखें वीडियो चाहते हैं तो लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों में चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको आल सब्जेक्ट की ऐसे ही तैयारी कराई जाएगी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलती है इस चैनल पर यूट्यूब स्टडीज शेयर कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग